हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्यूटी वर्ल्ड। आज आपके साथ में मैं एक ऐसा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ आपके हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेगा। तो चलिए इस हेयर मास्क को किस तरह से बनाना है वो बनाना देखते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें लूंगी वो मैं ग्राइंड करने वाली हूँ, इसलिए मैं सीधा आपको ग्राइंडर जार में डालते हुए दिखाते हुए और चलूंगी और साथ के साथ उसकी गुडनेस भी बताते हुए चलूंगी जो जो चीज हमें इसमें यूज करनी है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज करेंगे वो है भृंगराज। तो हम इसमें डालेंगे भृंगराज एक चम्मच हम इसमें, मैं साथ के साथ इसको ग्राइंडर जार में डालते हुए जा रही हूँ क्योंकि इसको बाद में हमें ग्राइंड ही करना है और तभी इसको अप्लाई करना है। तो मैंने इसमें डाल लिया है एक चम्मच भृंगराज पाउडर। और उसके बाद क्योंकि जो भृंगराज पाउडर जो होता है वो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और साथ में साथ जो हमारी स्कैल्प होती है उसकी, उसमें अगर कोई एलर्जी हो रखी होती है तो उस एलर्जी को भी ये ठीक कर देता है, साथ के साथ हमारी हेयर ग्रोथ को भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप एक टेबलस्पून लेना, अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप आधा चम्मच ही ले सकते हैं। तो इसमें से मैं आपको मैं ले रही हूँ आधा चम्मच आंवला पाउडर। ये है आधा चम्मच आंवला पाउडर। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो हेयर हैं वो ब्लैक रहते हैं, यानी कि जो प्रीमेच्योर हेयर हमारे हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, उनको ये ब्लैक करता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर लॉस को, हमारे हेयर का जो लॉस होता रहता है धीरे धीरे करके, हमारे बाल जो झड़ते रहते हैं उसको भी कंट्रोल करता है और हमारी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें लेने वाली हूँ वो है सीका काई पाउडर। सीका काई जो पाउडर होता है वो एक चम्मच लेना है। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से होता है, देखो इसमें ये हमारा, इसमें बहुत अच्छी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्कैल्प को क्लीन करती है और साथ ही साथ ये हमारे हेयर को शाइनी भी बनाता है। तो मैं इसमें से एक चम्मच ले रही हूँ। तो एक चम्मच हम इसमें डाल लेंगे सीका काई पाउडर। अगर आपके पास में नीम लीव्स हैं, नीम की पत्तियां हैं तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं क्योंकि वो हमारे हेयर को, हेयर की जो स्कैल्प है उसमें से भी एलर्जी को, यानी जैसे खुजली वगैरह हो रही होती है तो उसको भी सही कर देता है, साथ के साथ नरिश भी करता है और इन्फेक्शन को खत्म करता है। तो मेरे पास में वो नहीं है अभी। और उसके बाद जो मैं तीसरा चौथा इंग्रेडिएंट जो मैं लेने वाली हूँ करी लीव्स। करी लीव्स में हाई प्रोटीन होती है जो कि डेड फॉलिकल्स को रिमूव करती है, साथ ही साथ स्कैल्प से जो डैंड्रफ होता है उसको भी हटाता है और फ्रिजी हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि फ्रिजी हेयर को स्मूथ करता है। करी लीव्स डाल लेते हैं मैं इसमें। आप इसमें 20-25 डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 20-25 करी लीव्स डाल दी है इस तरह से। उसके बाद में इसमें डालना है हमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल से क्या होता है, हमारा एलोवेरा जो जेल है वो हमारे हेयर में स्मूथनिंग लाता है, यानी कि जो डैमेज हेयर होता है और ड्राई हेयर होते हैं उनको स्मूथ करता है। तो इसके बाद हम इसमें एलोवेरा जेल डाल लेंगे क्योंकि वैसे तो आप पतंजलि हेयर जो जेल आता है उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास में फ्रेश जेल है इसलिए मैं फ्रेश जेल यूज कर लूंगी। तो मैंने इसमें डाल लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल इस तरह से। अब मैंने ये डाल दिया है। इसके बाद में इसमें हमें डालना है दही। दही से क्या होगा, दही से हमारे हेयर स्मूथ हो जाएंगे और हमारे हेयर को जो है कंडीशनिंग मिलेगी और हमारे जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाएगा। मैं डाल रही हूँ इसमें पतंजलि का दही। आप कोई भी दही यूज कर सकते हैं, घर का बना हुआ ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें 2 से 3 चम्मच आप दही डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच दही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े छोटे हैं इसीलिए, और अब मुझे बड़े करने हैं तो इसमें दही डाल देंगे और अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम इस तरह से, आयरन का कोई भी आपके पास में बाउल हो उसमें निकाल लेना। इस तरह से मैं इसको इसमें निकाल लेती हूँ। मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही हमारे बालों को नरिश करता है और हमारे बालों में एक शाइन लेकर आता है। तो मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। आपके पास अगर कैस्टर ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डालूंगी लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन एसेंशियल ऑयल इसे डालूंगी मैं, ये अल्पोडनेस का है
आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास में यही है तो मैं यही डालूंगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो स्कैल्प पर डैंड्रफ है या फिर इचीनेस हो जाती है वो हमारी कम हो जाएगी और हमारा डैंड्रफ भी हट जाएगा। इसकी मैं डालूंगी क्योंकि मैं एक ही एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ, इसलिए मैं इसमें कम से कम 15 ड्रॉप डालूंगी। तो इसमें 15 ड्रॉप डालनी है, ये 15 ड्रॉप इसमें मैंने डाल दिया है एसेंशियल ऑयल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फाइल से रैप करके मैं इसको रख दूंगी। इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया। और ये क्योंकि मैंने लोहे के बर्तन में रख दिया है तो आधे घंटे बाद इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद मैं अपने बालों में लगा लूंगी। और कम से कम इस मास्क को 2 घंटे हमें अपने हेयर पर रखना है, 2 घंटे के बाद में हमें नॉर्मल वाटर से धो देना है। अगर आप चाहें तो इसमें माइल्ड शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।